Schoelenberg International Private Limited are leaders in HVAC trainings and content development worldwide. विंड्रो एसी गाइड. विंड्रो एसी विषय एक नाम पद्धति नोमेनक्लेचर दो परिचय इंट्रोडक्शन तीन पार्ट्स का स्थान और विवरण पार्ट्स लोकेशन एंड डिटेल्स चार पार्ट्स का कार्य वर्किंग ऑफ पार्ट्स कंप्रेसर अक्यूमुलेटर कंडेंसर और कूलिंग कोयल कैपिलेरी एयर और कोयल सेंसर पांच वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल छह पार्ट्स की टेस्टिंग ऑफ पार्ट्स सात स्थापना इंस्टॉलेशन आठ सर्विस नौ समस्याएं का समाधान सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अन्य पार्ट एक बाहरी कैबिनेट दो एयर फिल्टर तीन फ्रंट पैनल चार दो नंबर ए ए ए बैटरी के साथ रिमोट अक्यूमुलेटर यह एनिमेशन में तरल रेफ्रिजरेंट को अक्यूमुलेटर में इकट्ठा होते और वाष्प के रूप में बदल कर छोड़ते हुए दिखाता है यह बुनियादी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की एनिमेशन है ए जब कंप्रेसर शुरू होता है तो रेफ्रिजरेंट पर बहुत दबाव पड़ता है कंप्रेसर से निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट गैस की स्थिति होती है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दो कंडेंसर में यह गर्म रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है हवा से या पानी से रेफ्रिजरेंट ठंडा तो हो जाता है लेकिन उसका रूप परिवर्तन हो जाता है रेफ्रिजरेंट तरल का रूप ले लेता है कंडेंसर से निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर गुनगुना टेम्परेचर और तरल की स्थिति में होता है तीन अब एक्सपांशन डिवाइस द्वारा रेफ्रिजरेंट का प्रेशर गिरा दिया जाता है छोटे एयर कंडीशनर्स जैसे कि विंडो एसी और मिनी स्प्लिट एसी में कैपिलेरी का इस्तेमाल किया जाता है कैपिलेरी से पहले एक फिल्टर ड्रायर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मकसद मॉइस्चर और कचरे को रोकने का होता है कैपिलेरी से निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर तरल की स्थिति में होता है चार इवेपोरेटर में इस तरल रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है रेफ्रिजरेंट वेपर का रूप धारण कर लेता है इवेपोरेटर से निकलते वक्त रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर की स्थिति में होता है पांच अंत में रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेसर में वापस चला जाता है और यह चक्र दोहराया जाता है कैपेसिटर टेस्ट मल्टीमीटर को कैपेसिटर की स्थिति में सेट करें स्टेप्स या कदम ए कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट करें दो मल्टीमीटर के दोनों लीड्स को कैपेसिटर से कनेक्ट करें तीन मल्टीमीटर रीडिंग बताएगा जो कैपेसिटर में रीडिंग लिखी हुई है उसे 5% से ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए विंड्रो एसी स्थापना तीन एसी को बाहर निकालने के बाद टॉप कवर को खोलें चार ब्लोअर मोटर को पीवीसी शीट से कवर करें विंड्रो एसी समस्याएं का समाधान समस्याएं एसी चल नहीं रहा है कारण एसी को बिजली नहीं मिल रही है समस्याएं का समाधान ए सॉकेट पर एनालॉग मल्टीमीटर के साथ फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज की जांच करें दो डिजिटल मल्टीमीटर के साथ अर्थ और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज की जांच करें यह 2 से 5 वोल्ट के बीच होना चाहिए तीन प्लग टॉक चेक करें
4 मेन केबल चेक करें। ट्यूटोरियल की समाप्ति। इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर लॉग इन करें।